वो जिसे केक्स के नाम गेस करने वाले हैं। तो ये पहली वाली केक देखो, ये तो बहुत ही पॉपुलर केक रही हुई। आई थिंक सब लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। तो फटाफट से नीचे आंसर मेरे को कमेंट में बता दे कौन सा वाला केक है। लगता है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने आंसर कर दिया है, क्योंकि यह है तवा यानी कि पैन और ये तो केक ही है। तो मिला देने में क्या बन गया, पैनकेक। यस गाइस, के सभी लोगों ने आंसर दे दिया था, मुझे पता ही दिया होगा। तो फटाफट से लाइक मार देना, बहुत ही सही। तो चलो अभी हम लोग ये सेकंड वाला गेस करेंगे। ये वाला यार मैंने दुनिया का सबसे अतरंगी केक देखा, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे देखा तो मैंने बोला चलो इसको भी डाल के देखते, तुम लोगों को पता है क्या ये फर्स्ट वाला क्या है वो बताना, सेकंड तो तुम लोग समझ में आ ही रहा है, मेरे को बताओ यार ये कौन सा केक है। क्या गेस किया तुम लोगों ने? तुम लोगों को गेस करते हुए भी वियर्ड लगा होगा, क्योंकि ये तो क्या है, नींबू यानी कि लेमन, और ये है केक। तो मिला दे मन गया लेमन केक। गाइस मेरे को तो नहीं पता था भाई लेमन केक नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब नींबू का केक। देखो मैंने खाया नहीं है, मेरे को सुनने में तो बड़ा वियर्ड लग रहा है, तुम लोगों ने खाया तो मेरे को सच्ची सच्ची बताना कैसा होता है खाने में, मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा है। तो चलो अभी सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखो। इसी के साथ हम लोग थर्ड वाला केक गेस करते हैं। ये वाला केक यार काफी, मतलब मैंने खाया तो नहीं है, ये भी मेरे को वियर्ड ही लग रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ये पॉसिबल है, टेस्ट इसका वियर्ड हो सकता है। मतलब देखो पहला वाला क्या कर वही तुम लोगों को गेस करना है, सेकंड और थर्ड तो तुम लोगों को आई गेस समझ में आ ही रहा है, तो बता दो यार जल्दी से। लगता है इसका भी आंसर आ गया होगा, क्योंकि पहला वाला खांस रहा है यानी कि कफ, यहाँ पे लिखा है ई और ये तो है केक। तो मिलाद ने भी बन गया कॉफी केक। यस गाइस, कॉफी केक मैंने कभी खाई नहीं है, इंटरनेट पे देखी थी, लेकिन लगता है कि हाँ फिर भी ये पॉसिबल है, हालांकि टेस्ट थोड़ा अजीब सा ही होगा। मतलब कोई भी चीज का केक बना दो, बस केक बनाना है ना। तो चलो अभी हम लोग ये नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये वाला तो यार काफी पॉपुलर है, हर दुकान पे मिल जाती है, छोटा छोटा होता है। फर्स्ट वाला क्या है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो है, सेकंड तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है। तो भाई अब सभी लोग एक साथ नीचे कमेंट में मेरे को आंसर बता दो। लगता है यार आंसर आ गए हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है एक कप और ये तो केक है। तो मिलाद में क्या बन गया बेटा, कपकेक। यस गाइस, कपकेक हर दुकान में मिलता है, काफी 10-10 रुपए, 5-5 रुपए में, पहले तो 5 में मिलता था, अब तो 10 में मिलता होगा। ये भी तुम लोगों ने गेस कर दिया था, बहुत ही सही। तो चलो अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे। यार ये ना ये केक नहीं है। चलो एक बात मैं बता देता हूँ, केक के टुकड़े को ना ये बोलते हैं जो ये है, और इसको ना 70-80 रुपए में दुकानदार बेचते हैं, केक का टुकड़ा जिसको ये लोग बेचेंगे महंगे में, ये वो है। तो अब तुम लोग समझ गए होगे फर्स्ट वाला क्या है, इंग्लिश में बता दो, सेकंड भी इंग्लिश में बता दो, आंसर तुम्हें को मिल जाएगा। तो फटाफट सा मेरे को कमेंट में बता दो। लगता है यार आ गया होगा आंसर, क्योंकि पहला वाला क्या है, ये टूथ पेस्ट है, तो उसका हम ले लेंगे पेस्ट, और ये है पेड़ यानी कि ट्री। तो मिलाद में क्या बन गया, पेस्ट्री। यस गाइस, पेस्ट्री जो केक का टुकड़ा होता है उसे महंगे में बेच देते हैं, ताकि यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, और हम लोग को पूरा केक खरीदना नहीं होता, तो हम लोग पेस्ट्री खा के खुश हो जाते हैं, दोनों का फायदा, लेकिन ज्यादा तो दुकानदार का ही फायदा है ना भाई। तो चलो अभी हम लोग ये नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये भी मेरे को बड़ा अतरंगी केक दिखा, ये मस्त था। मतलब फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है वो तुम लोगों को गेस करना है इंग्लिश में, सेकंड वाले को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में वो तुम लोगों को गेस करना है, वैसे हिंदी में तो हम लोग धनुष कहते हैं, और थर्ड वाला तो तुम लोगों को दिख ही रहा है। इसका कलर से रिलेटेड है ये, हाँ अतरंगी कलर, बस इससे ज्यादा हिंट नहीं। तो आंसर अब मेरे को बता दो। लगता है आ गए आंसर, क्योंकि पहला वाला हो रहा है बारिश यानी कि रेन,
दूसरा वाला धनुष जिसको इंग्लिश में कहते हैं बो, और ये हो गया केक, तो रेनबो केक। यस गाइस, इंद्रधनुष का केक यार रंग बिरंगा होता है, देखने में काफी सुंदर है, तुम लोग को दिख ही रहा है ना यार। मैंने कभी खाई नहीं है, वैसे खाने की नहीं है, देखने की चीज है। खाने की तो अंदर में चॉकलेट ठूस देते होंगे क्यों, है ना भाई। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे। ये वाला तो तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा, देखो फर्स्ट वाला इमोजी क्या है, ये सेकेंड वाला तो तुम लोग को दिख ही रहा है, थर्ड वाला मतलब वो क्या हो गया है, मतलब कहीं जाने के लिए उसको डैश हो गई है, तो क्या हो गई है वो तो तुम लोगों को खुद को बताना पड़ेगा, तो आंसर ही मैं बता दूं यार। और ये क्या है, इसमें से क्या निकलता है गरम गरम, बस वो तुम लोगों को गेस करना था, बता दो जल्दी जल्दी जल्दी। लगता है कमेंट आ गए, क्योंकि यह क्या है, यह है चौक, यह है ओ, इसे जाने में हो रही है देर यानी कि लेट, और ये हो गया है लावा, तो लादने में बन गया चॉकलेट लावा। यस गाइस, चॉकलेट लावा वो वाला केक होता है जिसके अंदर से चॉकलेट फूट के बाहर निकलता है, लावे की तरह बाहर निकलता है, उसका नाम चॉकलेट लावा रख दिया गया है। क्या तुम लोगों ने खाई है, मैंने एक बार किसी और के बर्थडे में खाई थी शायद, मेरे को याद नहीं है वो भी लेकिन खाई है, मेरे को बस इतना याद है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला गेस करेंगे। ये वाला तो बहुत ही कॉमन है और मेरे को काफी अच्छी लगती है ये, मतलब मेरे को काफी पसंद है, चॉकलेट से तो एटलीस्ट बेटर लगती है मेरे को। क्या तुम लोग समझ सकते हो, देखो फर्स्ट वाला इमोजी में क्या है ये इंग्लिश में बताना है, सेकंड वाले को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, और थर्ड वाला दिख ही रहा है, तो भाई बता दो यार ये कौन सा फ्लेवर है। देखो पहला वाला क्या है, स्ट्रॉ, ये दूसरा वाला भालू है यानी कि बेर, और ये हो गया ई, तो मिलाने में बन गया स्ट्रॉबेरी। यस गाइस, स्ट्रॉबेरी केक काफी टेस्टी होती है, पिंक पिंक कलर, बहुत मजा आता है खा के। क्या तुम लोगों ने खाई है, ऑब्वियसली खाई होगी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो मेरे को सब लोग बता दें यस लिख देना अगर खाई है, तो खाई होगी, नो लिखने वाले मैं भी देखता हूँ कौन है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला केक यार बहुत ही फेमस है, ये वाला मैंने बहुत पहले खाई थी क्योंकि इतना पॉपुलर था, और फिर मैं तो खाता ही गया, काफी अच्छा लगा मेरे को। फर्स्ट वाले में तुम लोगों को कलर का नाम बताना है, सेकंड वाले में है क्या वो, और तुम लोगों को केक का नाम समझ में आ गया होगा, ये सबसे फेमस केक है, तो बता दो मेरे को। भाई यार ही बताया ही होगा, क्योंकि ये कौन सा रंग है, ये है ब्लैक, और यहाँ पर क्या है, ये है फॉरेस्ट, तो मिला देना होगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट केक तो यार तुम लोगों ने सुना ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, काफी पॉपुलर है। तो चलो अभी हम लोग ये नेक्स्ट वाला गेस कर लेते हैं। ये वाला भी काफी अतरंगी लगा मेरे को केक, सच बता रहा हूँ, मैंने तो ऐसा नाम नहीं सुना था। फर्स्ट वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बताना, हिंदी में तो कंचे कहते हैं, चलो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, और सेकंड वाला तो तुम लोग को दिख ही रहा है, तो कर दो कमेंट यार। लगता है आंसर आ गए कमेंट में, क्योंकि ये है कंचे यानी कि मार्बल, और ये है केक, और में क्या मार्बल केक। यस गाइस, मार्बल केक यार इंटरनेट पे मुझे दिखा था, मैंने खाई तो नहीं है, तुम लोगों ने खाई है क्या, बहुत ही अच्छी बात है, बता देना मेरे को कमेंट में। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला केक देख लेते हैं। ये वाला यार केक का नाम से ही बस इतना समझ में आ रहा है कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट वाला केक होगा, हालांकि केक तो होता ही वैसे भी सॉफ्ट है, लेकिन ये फर्स्ट वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तुम लोग को बताना है, और ये वो केक का नाम है, तो कर दो कमेंट यार। लगता है कमेंट आ गई, क्योंकि पहले वाले को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पंज, और ये हो गया केक, तो मेरा बन गया स्पंज केक। यस गाइस, स्पंज केक, ये तुम लोगों ने खाई है, मैंने तो नहीं खाई यार, मतलब ऐसा लग रहा है मेजोरिटी मैंने खाई नहीं है यार, इतनी बुरी बात है ना। तो चलो अभी हम लोग लास्ट वाला गेस करते हैं। ये तो मैंने नहीं खाई है, और इस बात मेरे को गर्व है, तुम लोगों ने खाई है तो बताना, फर्स्ट वाले का इंग्लिश में, सेकंड वाले का इंग्लिश में, और थर्ड वाला तो तुम लोगों को पता ही है, तो बताओ मेरे को ये कौन सा केक है। तो भाई बताया क्या तुम लोगों ने, क्योंकि पहली वाली है गाड़ी यानी कि कार, दूसरा वाला चूहा यानी कि रैट, और ये है केक, तो मिला देने में बन गया कैरेट केक, गाजर का केक। भाई मेरे को बहुत खुशी है मैंने ये नहीं खाई है, केक का हुलिया ही बिगड़ गया इससे, तो तुम लोगों ने खाई है तो बताना, और लास्ट वीडियो तुम लोग स्क्रीन पे आ रहे, तुम लोग उसे अभी जाके देख सकते हो। चलो हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन बाय।